हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ मिलती रहें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिली चिकन। ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी भी रेडी हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको वो वाली चीज़ें बताऊँ जो बहुत जल्दी तैयार हो जाए और टेस्टी भी हूँ। अच्छा, इसमें जाएगा, पहले मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। इसके अंदर जाएगा चिकन, जाएगा इसमें मैंने सिर्फ लेग का लिया है और उनको मैंने कट लगा लिया इस तरह। तो ये 1 kg है, मैंने लेग्स लिए हैं 1 kg, उनको कट लगा लिया है। इसमें मैंने लिया शिमला मिर्च 1 अदद, उसको मैंने इस साइज़ में काट लिया। आप क्यूब्स भी काट लेते हैं, काट सकते हैं जो आपको स्टाइल अच्छा लगता हो। अनियन लिया मैंने बिग साइज़ का, एक बड़ा अनियन लिया है। और ये मैंने लिए हैं गार्लिक क्यूब, गार्लिक के जवे लिए हैं 2 से 3 अदद, इनको ब्रीक क्रश काट लिया है। इसमें ऑनियन जाएगा ब्राउन वाला 1/4, मतलब 1 टेबल स्पून होगा बड़े वाला। योगर्ट जाएगा 1/2 टेबल स्पून। इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और चिली पेस्ट। मैंने हरी मिर्च की पेस्ट बना के उसके क्यूब्स काट लिए हुए थे तो वो मैंने 1 ले लिया, 1 टेबल स्पून। अब चिली पेस्ट ले लें। इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून और ज़ीरा साबित 1 टीस्पून, ड्राई चिली इसमें जाएगी, खुशक मिर्च इसमें जाएगी, कश्मीरी मिर्च 4 से 5 अदद और इसमें दादर मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, सोया सॉस जाएगी 1 टेबल स्पून और हॉट सॉस जाएगी 1 टीस्पून। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑयल मैंने ले लिया 1/4। इसके अंदर मैं ज़ीरा सबसे पहले साबुत ज़ीरा डालूंगी 1 टेबल स्पून सॉरी। और इसके अंदर जाएंगी 3 से 4 कश्मीरी मिर्च। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और चिली पेस्ट डाल देंगे। देखें, फ्राई कर लेंगे। अच्छा, एक मिनट चुप रहना। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। देखिए, चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी। सबसे पहले हम इसमें नमक, इसमें जाएगा 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके, पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून और सूरख मिर्च भी 1/2 टीस्पून, क्योंकि इसके अंदर हॉट सॉस भी ऐड करूँगी और ब्लैक पेपर भी ऐड कर इस वजह से। और गरम मसाला इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च एंड 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा कच्ची पाउडर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल आ रही है मुझे। अब हम इसके अंदर ब्राउन प्याज ऐड कर देंगे 1/4, योगर्ट ऐड कर देंगे 1/2 कप, फ्लेम को स्लो करके बिल्कुल आपने योगर्ट ऐड करना है। फिर मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप
पानी डाल के इसको बंद कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छे से ये मिक्स कर दें और फिर इसको मीडियम टू लो इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। मैं दूसरे चूल्हे पर इसको ले जाती हूँ। ये देखिए दूसरे चूल्हे मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया और वो 10 से 15 मिनट के लिए उसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैंने अलग से एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल लिया 1 टेबल स्पून और इसके अंदर अब हम वेजिटेबल कर लेंगे। अगर आप वेजिटेबल सॉफ्ट पसंद करते हैं, इसमें मैंने ये लहसुन जो चॉप किया हुआ था वो ऐड कर दिया है थोड़ा सा। अगर आप वेजिटेबल सॉफ्ट पसंद करते हैं तो आप उनके चिकन के अंदर ही इनको डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको लेकिन इसका अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप इसको अलग से थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये देखें क्योंकि ऑनियन और कैप्सिकम जो होती है वो थोड़ी क्रिस्पी अच्छी लगती है। इसको हम थोड़ा सा कलर दे देंगे। ये देखिए लहसुन का कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। ये हाई फ्लेम पे आपने थोड़ा सा इसको कुक करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना। अब इसके अंदर हम कैप्सिकम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। वन टी स्पून इसमें हॉट सॉस ऐड कर देंगे ताकि इनका अच्छे से टेस्ट जब हम चिकन में डालें तो वो आ जाए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप इसको 2 टी स्पून कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड किया, उसके अंदर भी मसाला बहुत अच्छा था, सुबह से थोड़ी सी इनको टेस्ट के लिए करना। ये देखिए जब हमारी वेजिटेबल तैयार हो जाएंगी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बस हम अपने चिकन का वेट करेंगे ताकि अच्छे से तैयार हो जाए। फिर इसके अंदर हम ये वेजिटेबल ऐड कर देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी चिकन रेडी हो गई है। देखिए वेजिटेबल बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा चिकन रेडी हो गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा चिकन रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर सारी वेजिटेबल ऐड कर देंगे। ये वाला उसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से टोस्ट कर देंगे, मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। देखिए ये बहुत टेस्टी बनता है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ नई रेसिपीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। देखो अब इसके अंदर हरी मिर्च चली जाएगी। इतना ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त सा चिली चिकन तैयार है। क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, इसको ज़्यादा हिलाऊंगी तो बिल्कुल इसमें चला जाएगा हरा धनिया के मुताबिक। ज़बरदस्त सा चिली चिकन तैयार है। देखिए ज़बरदस्त सा चिली चिकन तैयार है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ मिलती रहे। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।